बहुत ज्यादा ठंडी हवा चल रही है, मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था। ऐसे तो धूप है, बर्फ नहीं है यहाँ, बट टेम्परेचर बहुत ठंडी वाला है, लाइक सीरियसली। हेलो एवरीबॉडी, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। इट्स मी करिश्मा, एके भद्रवा वाली, एंड इफ यू गाइस आर इन हेलो एवरीबॉडी, होप यू ऑल आर डूइंग गुड, एंड इफ यू गाइस आर न्यू टू माय चैनल, हाय माय नेम इज करिश्मा, एंड आई विल रियली अप्रिशिएट इफ यू टेक अ मोमेंट एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ अपने घर, अपने भद्रवा। जैसा कि आप मेरा बैकग्राउंड देख के आप लोगों को पता चल रहा होगा, क्योंकि मैं इसी बैकग्राउंड से अपने व्लॉग की शुरुआत करती हूँ मोस्टली। तो हुड्डी सीजन आ गया है, मैंने अपने भाई की हुड्डी चोरी कर ली है, मिशन अकॉम्प्लिश्ड। तो आज हम जा रहे हैं जाई वैली, क्योंकि भद्रवा में अभी चल रहा है विंटर कार्निवल और ये 5-6 दिन चलेगा, तो हम ज़्यादा जगहों पे तो नहीं जा पाएंगे, बट आज हम जाई जा रहे हैं, क्योंकि जो विंटर कार्निवल है वो अलग अलग दिन अलग अलग डेस्टिनेशंस पे हो रहा है भद्रवा की। सो एक अच्छा स्टेप है टूरिज़म की तरफ से टू प्रमोट भद्रवा। तो देखते हैं आज क्या क्या होता है आगे, पहले तो मैं रेडी हो जाती हूँ क्योंकि अब टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो मैं रेडी होने के बाद आती हूँ। तो अभी हम लोग सब तैयार होके जा रहे हैं, और अखी भैया की गाड़ी में जा रहे हैं आज। इसकी गाड़ी थोड़ी ऐसे स्लिप सी है, पता नहीं क्यों, बट चलो एनीवेज आगे जाके हमें कुछ और लोग भी मिलने वाले हैं। तलाक होता है, मेरा वही लाग नहीं, मेरा एक ही लाग होता, वो भी मुझे लगा के टक बता रही थी ना कि हमारे साथ कुछ और लोग भी ज्वाइन हुए हैं। याद करो भैया को, ये है मेरी जीन्स और ये मेरा भाई है, और ये देखो ये जो है ना, ये इंसान, ये सड़क में मुझे टक्कर मारने वाला था एक दिन। रॉल में आगे आ गई मेरे, मैं वहां से निकल रहा हूँ तेज, देखा इससे बोलो तेज, हाँ ऐसे ये ही आई मेरे आगे, और कोई भी नहीं आई, यही में। अगर आपको बताऊँ ना, यहाँ इतनी ज्यादा ठंडी हवा चल रही है ना कि आई कांट टेल यू इवन, ये मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था। ऐसे तो धूप है, बर्फ नहीं है यहाँ, बट टेम्परेचर बहुत ठंडी वाला है, लाइक सीरियसली बहुत ठंड है। अभी तो मुझे फिलहाल यहाँ कुछ ऐसे देखने को खास मिल नहीं रहा, क्योंकि काफी कम लोग आए हुए हैं। आई विल शो यू गाइस, लेडीज के लिए स्पेशल म्यूजिकल चाहिए, सो प्लीज ऑल द लेडीज join us, stand up, stand up, stand up, and play the music. तो यहाँ पे भैया है हमें, जिनका ये सारा सिस्टम है। भैया आपका नाम क्या है? अतुल गुप्ता। और भैया यहाँ इतने तगड़े तगड़ा म्यूजिक बजा रहे हैं गेम्स के साथ साथ। जो बातें करता है विकास, अपने एक बार रोहित मेरे को वो चीज बड़ी याद है, समारोह का चलो आप भी हमारे साथ चलोगे ना, चलोगे ना, यही जाएगी, मैं ये नहीं करने वाली। मैं तो इसके अंदर नहीं जा सकती क्योंकि मुझे बहुत चक्कर आते हैं, तो मैं अंदर चली गई तो मुझे चक्कर आने लग जाएंगे, इसलिए इन्हीं को भेजे हमने यहाँ अंदर। इंजॉय इंजॉय अपनी जर्नी को, इंजॉय करो, वेरी गुड, इंजॉय करना, इंजॉय, हड्डियाँ हुड्डियाँ तोड़ के बाहर नहीं आना, बाय, आर आई पी, बाय।
उधर रखो उधर। हाय गाइस, ऑल द बेस्ट, आगे क्योंकि वहाँ बहुत ज्यादा रश था और वहाँ पे उतना कुछ खास मजा भी नहीं आ रहा था, इसलिए हम यहाँ से थोड़ी आगे आगे और यहाँ बना रहे हैं मैगी। मैगी बना किस पे? इस गैस से पता नहीं हमारी मैगी बनेगी नहीं बनेगी। अगर हमारी मैगी बनी तो फिर तो अच्छी बात है, नहीं बनी तो कच्ची यही लोग खाएंगे। मैं नहीं खाऊंगा। ये गाड़ी है, ये कैंटीन है, पता नहीं सब कुछ है इसमें। ये देखो इसमें अमरूद मिलेगा, आपको संतरा मिलेगा, नींबू मिलेगा, कचालू मिलेगा। कचालू मुझे भी खाने यार, मैं पूरे जम्मू में मुझे कचालू का टेस्ट इतना ज्यादा अच्छा लगता था। वाह ये क्या हो रहा है, लग तो रहा है कि मैगी बन जाए। मैगी जो मर्जी बनाओ यार, राजमा बॉइल कर दो। लग रहा है कि अब हमारी मैगी बन जाएगी। पता कौन सा स्टोव हमने लाया है पूरी सर्च करके कैंपिंग के लिए, ताकि स्नो में भी चल जाए। स्नो में बाकी बंद हो जाते हैं ना, जेडी बंद। फाइनली हमारी मैगी बन गई है जैसे तैसे, बट लग तो बहुत टेस्टी रही है। अब हम बस सर्व करेंगे मैगी और खाएंगे। पहाड़ों में मैगी तो फेमस है और ये मैगी इतनी टेस्टी बनी है ना, सच कह के बता रही हूँ कि मैगी बहुत टेस्टी बनी है। मैं यहाँ बैठ के इस मैगी का मजा लेना चाहती हूँ, बट आई स्वेयर ये मैगी बहुत अच्छी बनी है। तो देख सेल्फी में ले ले, सेल्फी में। मैगी वाला पतीला मेरा खाली हो चुका है और अब यहाँ बन रहा है ऑमलेट। ये किसकी मैगी है? ये पहले से बनाई है। अच्छा, खा सकते हो आप? कोई नहीं, पहले आप ये बनाओ ऑमलेट, आप सब खाओ। क्योंकि मैं जो है एग नहीं खाती, तो मैंने खाली मैगी खाई है। और जीत ने मेरे लिए, जीत साहब ने घर जाके मेरे लिए कचालू बनाने हैं ना, कचालू बनाने हैं ना। डॉक्टर भैया आपने कचालू बनाने हैं ना, जीत बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है एकदम। ये ना मुझे सबसे अच्छी चीज लगी, इतना छोटा सा है, इतना पोर्टेबल सा है और इतनी सारी चीजें बन गई ना इसमें। हमने दो बारी मैगी बनाई और चार पांच बारी हमने वो बनाया, ऑमलेट बनाया, सब बनाया और बन भी इतने अच्छे से जाता है और इतना छोटा सा है, कहीं भी आप कहीं भी लेके इसको जा सकते हो। और बर्फ में भी चलेगा, बर्फ में भी चल सकता है ये। तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, हमने मैगी भी खा ली, इन लोगों ने ऑमलेट सब खा लिया। बस अब हम यहाँ से निकलने वाले हैं क्योंकि अगर हमने ज़्यादा लेट किया तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड हो जाएगी, लाइक माइनस में टेम्परेचर चला जाएगा। हमारे साथ केटू भी है, केटू बीमार हो सकती है, तो हमें जल्दी निकलना होगा। अभी हम पहले वीडियोज़ वगैरह सब फोटोज़ वगैरह क्लिक वगैरह करवा के ही जाएंगे, क्योंकि बार बार कहाँ ही मौका मिलेगा। और मैं आई हूँ यहाँ इसलिए आई थी ताकि थोड़ा मेरा माइंड रिफ्रेश हो जाए, थोड़ा मैं घूम लूँ, मस्ती कर लूँ, फिर वापस से। ये ब्लॉग अच्छा नहीं लगा क्योंकि खुशी रही, सिर्फ अपनी वीडियो लाती है, ज़्यादातर सिर्फ खुद को ये टेंशन देती है। अब मैं आते ही बुखारी सेकने बैठ जाऊंगी। वहाँ पे बहुत सारी चीजें लगी हुई थी।